सुनो, आज सारे जगत में भ्रूण हत्या की जा रही है, जहां कन्याओं को बेमौत मार दिया जाता है, जिस कोख में स्वयं भगवान पधारते हैं उसको आज मरघट बना दिया गया है। एक मां अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच कराने के बाद जब उसको पता चलता है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाली एक कन्या है, तो उसको गर्भ में मरवाने का षड्यंत्र रखती है और डॉक्टर के पास जाती है। जब डॉक्टर उसकी देखभाल करता है तो मां को कुछ ऐसा एहसास होता है कि मेरी मासूम बच्ची मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो अपनी बेटी की आवाज को ध्यान से सुनने लगी। उस कन्या ने मां से क्या कहा सुनिए। रोई रोई लाडो कहते गर्भ में मेरी कोई ना सुने पुकार, मातमते बने कसाई क्यों रही हाथन से मार। अकल खराब भाई तेरी, बेटा के चक्कर में जननी अकल खराब भाई तेरी। परम पिता से डर मेरी मैया क्यों कर रही अत्याचार, मातमत बने कसाई क्यों रही हाथन से मार। आई क्यों
बर्तन साफ करती है, भोजन बनाती है, कपड़े लत्ते साफ करती है, फिर भी चटनी से अगर प्रेम से रोटी उसको मिल जाए तो पा लेती है। शादी होने के बावजूद ससुराल में कभी भी अपने बाप की बुराई नहीं करती, लेकिन लड़के से थोड़े से काम के लिए कह दिया जाए तो उसको बुरा लगता है। आज वो बच्ची इस दुनिया में बाहर आने के लिए अपनी मां से अनुरोध कर रही है, मोकु जन्म मात तू दे दे, तेरो हुकम बजाऊंगी, घर को काम करूं तू कहे तो पढ़वे तक ना जाऊंगी, घर को काम करूं तू कहे तो पढ़वे तक ना जाऊंगी, होरू को सुख पेट भरूंगी तो तू ना करूंगी लाचार, मात मत बने कसाई क्यों रही आतन से मार, मात मत बने कसाई क्यों रही आतन से मार, मात मत बने कसाई क्यों रही आतन से माने सुन लिया। ओ करुण पुकार सुनी बेटी की तो माँ की फटने लगी छाती, लड़का लड़ी